स्मरण करेंगे। सर्वप्रथम ईश्वर संभवतः हमारी ही कल्पना है जिसके स्मरण से हम हमेशा सकारात्मक महसूस करते हैं। इसी प्रकार की एक सुंदर कल्पना है माँ सरस्वती। आइए उनसे सकारात्मकता ग्रहण करते हैं। माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि हेतु मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय एवं प्रथम वर्ष के समस्त विभागाध्यक्षों को आमंत्रित करती हूँ। आज का यह समारोह हमारे भावी डॉक्टर्स के लिए समर्पित है जो हमारा बिल्कुल नया नया MBBS बैच आया है। कहीं भी किसी भी नई संस्था में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी आशाएं और आशंकाएं होती हैं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी आशाओं को मजबूत करना और हमारी आशंकाओं को कम करना है। इसके लिए कहीं भी नई जगह हमें परिचय की बहुत जरूरत होती है। जैसे जैसे हम परिचित होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मन से सारी शंकाएं दूर होती जाती हैं। तो सबसे पहले परिचय में कराऊंगी हमारे संस्था प्रमुख ऑनरेबल डीन सर का, हमारे अधिष्ठाता महोदय का, जिनसे यूं तो आप सब परिचित ही होंगे, सबको उनके बारे में मालूम ही होगा, फिर भी अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना हो तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी इतनी बड़ी संस्था का प्रमुख होना ठीक वैसा ही है जैसे एक अनट्रेन्ड अनियंत्रित सेना का प्रमुख होना। ऐसे में अगर व्यक्ति कितना भी लचीले स्वभाव का हो लेकिन उसे बाहर शक्ति का आवरण ओढ़ना ही पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमारे अधिष्ठाता महोदय हैं, अंदर से बहुत ही मृदु है लेकिन बाहर थोड़ी सी कठोरता उन्हें रखनी पड़ती है। हम अनियंत्रित सेना से हैं तो यहाँ वहां मनमानी होगी, आप अंदर मृद बाहर कठोर ना हो तो बेमानी होगी। इसलिए छात्रों आप अपनी बात कभी भी कहनी हो सर के पास बेझिझक जा सकते हैं, सर से अपनी सारी समस्याएं व्यक्त कर सकते हैं, सर बहुत धैर्य पूर्वक सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। लेकिन आपसे भी अनुरोध है कभी भी अनुशासन का दायरा मत तोड़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्माननीय अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर मिलिंद सिराकर सर को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आप आए।
your time. Time for classes, time for suppose play, time for recreation, or time for study. So a good doctor must be punctual about his time. Otherwise, लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर तो आते नहीं है, ये तो कभी मिलते नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल रिगार्डिंग योर टाइम. देन नेक्स्ट इज सिंसियरिटी. वट एवर यू डू, डू इट सिंसियरली. राइट नाउ योर जॉब इज टू स्टडी एंड टू लर्न. सो यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी. नेक्स्ट पार्ट वुड बी रेगुलरिटी. डू वट एवर यू आर डूइंग रेगुलरली. क्लासेस अटेंड करना रेगुलर, पढ़ाई करना, प्रैक्टिकल सेशन होते हैं उसका रेगुलर, उसका काम कंप्लीट करना एंड सो ऑन. आई वॉन्ट टेक मच टाइम. आई विल विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. डीन सर ने तो छात्र जीवन का पूरा सार ही बता दिया. कितने अच्छे से उन्होंने, आप बस उनकी बातों को फॉलो कर लें तो आप एक सफल जीवन, हमेशा सफल जीवन व्यतीत कर सकेंगे. सर ने कहा अभी आपको यह नहीं मानना है, आपको केयरलेस नहीं होना है कि हम तो जीत गए, मतलब मंजिल अभी मिली नहीं है, आप रास्ते पर ही हैं. तो इस चीज को आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है. आप अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते रहिएगा और उनका निर्वहन करते रहिएगा. यही शुभकामना है.